न्याय के साथ विकास के लिए नीतीश सरकार लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पहले जाति आधारित गणना कराकर इतिहास रच दिया। अब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आधार पर हर वर्ग के उत्थान के लिए बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर इतिहास रचा गया है। बिहार में आरक्षण का दायरा 65% से बढ़ाकर 75% तक कर दिया गया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो बिहार के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई है। इससे हर वर्ग और हर जाति के लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के बारे में पता चला है। इसी के आधार पर बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 75% तक कर दिया गया है। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। हर वर्ग के उत्थान और हर तबके के लोगों के विकास के लिए नीतीश सरकार प्रतिबद्ध है। समाज के हर वर्ग के लोगों का शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़े, इस उद्देश्य के साथ बिहार में यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। नीतीश सरकार का यह फैसला बिहार में न्याय के साथ विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में बिहार में कई सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं से बिहार के पिछड़े वर्गों को बहुत फायदा हुआ है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता का अभूतपूर्व उदाहरण है। इस फैसले से बिहार के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।